एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग स्वीट टेबल आइडेंटिटी। अब यहां पर आपको नंबर दिया हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यूज दिया हुआ है, कहीं पर आपको ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। इस न्यूमेरिक वैल्यू को आपको सॉल्व करना है आइडेंटिटीज का यूज करके। ठीक है, देखो 99 का क्यूब लिखा हुआ है, तो इन जनरल अगर इसको सॉल्व करना होता तो 99 × 99 × 99 करके इसको सॉल्व करते। लेकिन जब यहां पर बोल दिया है कि आइडेंटिटीज का आपको यूज करना है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा। ये बहुत इजी है, आपको करना कुछ नहीं है। जो भी नंबर दिया हुआ है उसके पास जो भी राउंड फिगर नंबर आता है उससे उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां दिया हुआ है 99 का क्यूब, तो आपको यहाँ ऐसा आइडेंटिटी यूज करना है जिसमें क्यूब आता हो। ठीक है, और 99 को ऐसे अरेंज करना है, यहां पर ऐसा इसको करना है कि यहां पर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो ऐसे नंबर से जो कि राउंड फिगर वाला हो। ठीक है, तो इजी क्या रहेगा, 99 के पास है 100 − 1 का होल क्यूब। ठीक है, 100 − 1 99 होता है। अब ये चीज हमारे आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, कौन सा आइडेंटिटी, a − b, सॉरी आप यहां लिख सकते हो x − y का होल क्यूब। ठीक है, वो a − b का होल क्यूब भी हो सकता है क्योंकि वो चीज हमने पिछले साल पढ़ा था। यहां पर आप x − y पढ़े हो तो मैं x − y लेकर ही बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x³ − y³ − 3xy ब्रैकेट में x − y। ठीक है, वैल्यूज को पुट करके देखते हैं यहां पर क्या होगा। x का क्यूब x का वैल्यू यहां पर 100 है, तो यहां आएगा 100 का क्यूब माइनस y का वैल्यू है 1 का क्यूब, फिर माइनस 3 एज इट इज, x का वैल्यू 100 y का वैल्यू 1 इस ब्रैकेट में x का वैल्यू 100 माइनस y का वैल्यू 1। अब सॉल्व करते हैं, 100 का क्यूब लिखा है तो आपको 100 × 100 × 100 करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जितने जीरोस हैं ठीक है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहां पर है 2 0, सॉरी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, जैसे 2 0 है। ठीक है, 2 × 3 हो गया 6, तो यहां पर 6 0 आएगा, तो ये हो गया 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, आप 100 × 100 × 100 करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 1 का क्यूब, तो 1 ही होता है। आप पहले इसको सॉल्व कर लेते फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पर दो टर्म्स है। ठीक है, तो इसको भी आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो एक ही बार। देखो ये क्या होगा, 3 × 100, ये हो गया 300, पहले मैं लिख लेता हूं −300 × अब यहां पर 100 − 1 कितना होता है 99, 99 से इसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है। ये हो गया 1 के बाद 6 0, फिर उसके बाद −1, अब चाहो तो यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो पहले, लेकिन हम लोग पहले इसको सॉल्व करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 300 × 99, तो आप 99 से 3 को मल्टीप्लाई कर लो पहले, 9 3 = 27, 9 3 = 27 प्लस 2 हो गया 29, 297 और उसके बाद 2 0 है। ठीक है, अब यहां देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। ठीक है, दोनों ही अगर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 को इसके साथ अगर ऐड कर लोगे तो यहां हो जाएगा 29701। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। ठीक है, 29700 आ रहा है, तो इसके साथ माइनस है तो यहां आ गया −29701। अब सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत इजी है, 1 के बाद यहां 60 है, 6 1 2 3 4 5 6, सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसको 9 और ये 2 29701। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां हो गया ये 10, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 0। 10 − 1 हो गया 9, 9 − 0 हो गया 9, 9 − 7 हो गया 2, 9 − 9 0, 9 − 2 7 और ये 9। तो ये इसका फाइनल आंसर आया 9702 99। जो बड़ा है उसका साइन लेंगे, ये नंबर बड़ा है इसका साइन प्लस है तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके आपको सारे नंबर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं इस पर अब कर लेता हूं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 7th क्वेश्चन का जो सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेकेंड में दिया है आपको 102 का क्यूब। ठीक, अब जिस तरह से 99 को हमने ब्रेक किया था, यहां 102 को आपको ब्रेक करना है। ठीक है, क्यूब है तो क्यूब वाला ही अपना आइडेंटिटी अपन को यूज करना है, तो 102 को आप लिख सकते हो 100 + 2 का होल क्यूब।
याद रखो, जब कभी भी आपको ऐसे नंबर को ब्रेक करना हो तो आप इस तरीके से ब्रेक करो कि यहाँ पर पहला नंबर 100, 10,000 या 10,000 इस तरह का नंबर है, ताकि इसका जो क्यूब निकालना हो या स्क्वायर निकालना हो तो वो आसान हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज होगा, यहाँ पर प्लस है तो ए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। वैल्यूज पुट करते हैं, x का वैल्यू 100 है, यहाँ पर 100 का क्यूब प्लस y का वैल्यू है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3 एज इट इज, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी कि 100 प्लस 2। अब सॉल्व करते हैं, देखो 100 का क्यूब निकालना है तो मैं आपको बताया जितने जीरोस है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो है, 2 × 3 6 होता है, तो 6 जीरो, ये 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 8 प्लस। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 102 आएगा तो उसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, या चाहो तो एक ही साथ आप कर सकते हो। देखो सबका मल्टीप्लीकेशन ही होना है, 3 × 100 300 हो गया, 300 × 2 ये हो गया 600, 600 × 102। तो आप यहां पर इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, अगर आप ये देखो 8 + 2 10 कर लेते हैं अपन इसको, ठीक है, ये हो जाएगा ये 8 और ये 102, सॉरी ऐसा नहीं हो सकता, पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 102 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 6 2 जा 12, 6 0 जा 0 प्लस 1 1, 6 1 जा 6, ये आ गया 612। अब 612 के बाद दो जीरो भी है तो वो भी लगाना है, साथ में इनका सबका एडिशन भी करना है, तो यहां पर लिख लेता हूं 1 के बाद 60 प्लस, अगर 612 में 8 को आप ऐड कर दो, सॉरी ये 00 है, फिर गलती हो रहा है मेरे से, ये 8 है प्लस 612 के बाद 00 है लास्ट में। ठीक है, तो ये आप इसका एडिशन आप कर सकते हो, बहुत ईजी है, 1 के बाद 6 जीरोस है और यहां पर है 61,200 है और लास्ट में 8 है, आप ऐड कर लो, ये आ गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये 6, ये 0 और 1, तो आंसर आया इसका 1061208। ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो कि ये आंसर सही है या नहीं, तो आप क्या करो, 102 × 102 × 102 आपका जो भी आंसर आएगा इससे आप मैच कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं किया। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूं, एक और क्वेश्चन है इसका, वो भी देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन का जो थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड में आपको दिया हुआ है 998 का क्यूब। ठीक है, बहुत ईजी है, यहां पर आप क्या करोगे, जो इसका नियरेस्ट राउंड फिगर नंबर है वो देखोगे, तो नियरेस्ट राउंड फिगर नंबर होता है 1000, इसमें से अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 998 होता है और इसका क्यूब। आप यहां पर आप बता सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए माइनस, सॉरी फिर से मैं ये लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, कभी अगर मैं बोलता हूँ ए माइनस बी तो मैं उसी हिसाब से फॉर्मूला भी लिख दूंगा, तो आप ए माइनस बी की जगह एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हो। ओके, एक्स माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। पुट करते वैल्यू, x का वैल्यू 1000 है, 1000 का क्यूब माइनस y का वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 3 एज इट इज, x का वैल्यू 1000 y का वैल्यू 2 एक्स माइनस वाई 1000 माइनस 2। अब देखो यहां पर 3 जीरोस है तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 1000 × 1000 × 1000 तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 3 जीरो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब लिखा है तो 3 × 3 हो गया 9, तो यहां पर 9 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जीरो। आप 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखना, वही आएगा। 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1000 हो गया 3000 × 2,
3000 इंटू टू हो गया 6000, यहां पर 1000 माइनस टू ये हो गया 998। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इसको ऐड कर लेंगे। यहां पर वन के बाद वो 2, 4, 6, 8, 9, 0 से अगर 998 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6, 8 48, 6, 9 54 प्लस 4, 58, 6, 9 54 प्लस 5, 59 हो गया 5, 9, 8। यहां लिखता हूं -8 -5, 9, 8। अब इसके साथ में तीन जीरोस भी है तो ये जीरो भी आ गया। अब ये इसका तो पूरा सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन इन दोनों के बीच में एडिशन होगा क्योंकि दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है। तो जब 8 को आप इसमें ऐड करोगे तो यहां लास्ट में 8 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अब सब्ट्रैक्ट करता हूं, वन के बाद 9 0 से 9 1 2 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये नंबर क्या आएगा, लास्ट में आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद इसके पहले दो जीरोस हैं, यहां पर फिर 8, उसके बाद 9 और ये 5। सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, ये पूरे 10 हो गया, ये 9 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
नाइन, नाइन माइनस एट वन, नाइन माइनस एट वन, नाइन माइनस नाइन जीरो, नाइन माइनस फाइव फोर, और फिर उसके बाद यहाँ भी नाइन और यहाँ भी नाइन, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ टर्म आ रहा है, तो यहाँ आ गया नाइन नाइन फोर जीरो डबल वन डबल नाइन टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 998 × 998 998 करके आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.5 का सेवेंथ क्वेश्चन।